अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जिस इवेंट की मैं बात कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जारी हो सारी है। तो दो टीम्स अपना अपना जो मुकाबला है और जोर आजमाई कर रही है। तो आई थिंक एक अताक क्रिकेट अकेडमी और दूसरी लाहौर कंटी क्लब का ये मुकाबला है। तो यहाँ पर जनाब मुकाबला बिल्कुल जारी है और इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, अभी हम चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ और वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सलामुअलैकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम भाट साहब। जी हैं जी, हम आयु भाट साहब जिनकी मैं बात कर रहा था, इनकी काफ़ियों से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये रहे जी सर फाकर सर, क्या हाल? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक है, सित भी ठीक है, फिट फाट। यहाँ पे जनाब बिल्कुल टूर्नामेंट का जो मैच वो जा रही है, क्या सूरत हाल होगी? 9 ओवर के अख्ताम पे 88 स्कोर हो चुका जी, 3 आउट। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं सर शफाकत, और इनसे जानते हैं कि टूर्नामेंट के कब से ये स्टार्ट हुआ, कितनी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और ये कौन सा राउंड जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इस टूर्नामेंट के मुतल्लिक थोड़ा बताइएगा ज़रा जी। ये शेख अब्दुल लतीफ मेमोरियल T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप है, जिसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है। और कितनी टीम जो अभी तक खेल चुकी हैं या कौन सा राउंड अभी चल रहा है? ये फर्स्ट राउंड का लास्ट मैच है, इसके बाद इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल, कल से क्वार्टर फाइनल शुरू है, 4 क्वार्टर फाइनल होंगे इंशाल्लाह, उसके बाद सेमीफाइनल्स हैं और फाइनल हमारा जो है इंशाल्लाह वो 18 को संडे को। हमारी कोशिश है कि हम सेमीफाइनल्स भी डे एंड नाइट करवाएँ और फाइनल तो डेफिनेटली हमारा जो है ना कंफर्म है कि वो डे एंड नाइट होगा। अभी तक सबसे जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कौन सी टीम ने दी है? सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अताक क्रिकेट क्लब गुजरांवाला से, नाजम क्रिकेट क्लब गुजरात से, और सबसे ज़बरदस्त जो मैच हुआ है मैंने जो देखा इधर लो स्कोरिंग मैच था वो था शाहीन गुजरात का और धौंकल वज़ीराबाद का, जिसमें धौंकल वज़ीराबाद ने 130 डिफेंड किया और उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, अच्छी फील्डिंग की और वो जीत गए। अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल हैं वो आप समझ लें कि डेथ ग्रुप है, डेथ मैचेस हैं, वो सब के सब जो है ना टफ़ मैचेस हैं। और मैं अब उमर याद बाजवा साहब, इमरान खान मानी साहब और शेख बरादरान जो हैं, शेख अबू बकर साहब, अपना लतीफ़ साहब के बेटे काशिफ लतीफ़, हुमायूं भट्ट, और इसके अलावा हमारे साथ जिन्होंने कॉपरेट किया उनमें इरफान बाजवा साहब हैं, अपना आमर रफीक साहब हैं, मियां सबी रहमान साहब, प्रेस समाजी बंदे, बाकी भी जिन लोगों ने हमारे साथ कॉपरेट किया उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूशन है उमर याद बाजवा साहब की और इमरान हफीज़ शेख साहब के भतीजे की वसासत से हमने ये जो है ना स्टेप लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल लतीफ़ साहब के बारे में ज़रा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊँ। क्यों नहीं, शेख अब्दुल लतीफ़ साहब गखड़ की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 6 फ्लड लाइट तने तनहा करवाए, और उनका गार्ड ऑफ आनर जो है वो ये है कि माजिद खान तब चीफ एग्जीक्यूटिव था PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, और वह गुजरांवाला आए हुए थे, तो शेख अब्दुल लतीफ़ साहब को उन्होंने ऐसे सलूट किया, शेख साहब मुझे आपका तारफ़ है, आप जैसी शख्सियत क्रिकेट की प्रमोशन के लिए किसी भी डिपार्टमेंट से कम नहीं है, मैं उनके साथ था। ये मैंने अल्फाज जो लेजेंड हैं माजिद खान, इमरान खान के कज़न हैं, कैप्टन भी रहे हैं पाकिस्तान टीम के और वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं PCB के, उनके ये रिमार्क्स थे। तो उन्होंने उसके अलावा जब हम फ्लड लाइट्स करवाते थे, मैं टूर्नामेंट कमेटी में होता था, इमरान हफीज़ मैं और साथ इमरान खान, कप्तान मानी, रोबन घोष, तो हम लोग जो इंतजाम करते थे, तो हम लास्ट फ्लड लाइट की बात करता हूँ 97 के, ये बात है उसमें फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट है लेकिन उसमें फ़ुटबॉल का मैच भी हुआ है फ्लड लाइट, उसमें हॉकी का मैच भी फ्लड लाइट हुआ है, उसमें टेनिस बॉल भी फ्लड लाइट हुई है। इवन के जो ये जो गोली खेलते हैं वो भंटे टाइप होते हैं वो भी, और फ्लिस्पी प्लेट वगैरह, और ये जो बॉडी खेलते हैं इस तरह की, जितनी लोकल हमारी लोकल ट्रेडिशनल गेम्स हैं ये सारी शेख साहब की मरहूने मिन्नत है। उन्होंने नाइट्स में सभी को, बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सेमीफाइनल्स थे, हम ग्राउंड को तैयार करके घर गए, रस्सा लगाना, वो ईंट जो है ना आधी हमने ग्राउंड में नहीं होती थी उसको वाइट वॉश करके लगा के वापस आते थे, तो वो बच्चे सारे को खेड़ देते थे। तो हमने कहा शेख साहब वो मैच होने तक जो है ना इसको बंद कर दिया करें, जो गेटी है नूरे को रोड की तरफ से, वो कहते हैं यार
छड़ दियो। और बोलते हैं कि मैं मर जाना बाद चो याद करेंगे, ना किसे मेला कराना है ना किसे को होना है, तो तुम यह पाबंदी ना लाओ, रहन दो, कुछ नहीं होंगे यार, दो बंदे होर ले लो, नहीं होंगे तो अड्डे तो मजदूर ले आओ। ये उस तरह उनका विजन था कि हर बंदा जो है वो एंटरटेन हो, हर बंदा जो खेले हेल्दी एक्टिविटी में हिस्सा ले। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे दोस्त हैं, शेख बरादरान है, बाजवा बरादरान है, इमरान मानी है और आमर रफीक है, ये हमारे सीनियर, जितने भी हमारे सीनियर्स जो इधर कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उन सब का हम तह दिल से मशकूर हैं कि हमने 20-22 साल बाद शेख साहब के फौत होने के बाद ये पहला मेला है जो प्रॉपर प्रोफेशनल, और इसमें हमने बाकायदा CPCA के अंपायर जो हैं वो अरेंज किए हुए हैं, टोटल स्कोरर्स, और YouTube पे ये मैच दिखाए जा रहे हैं, मल्टीमीडिया असिस्टेंट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से हमने कोशिश की है कि इसको हम एक अच्छे लेवल पे, ख़ास शेख साहब का वो जो है विजन उसके मुताबिक तो नहीं हम करवा सके जिस तरह वो करवाते थे, लेकिन हमने कोशिश किया कि उस टच को ज़िंदा रखें। वो जो बाहर से ऑफिशियल आते थे उनको बाकायदा खाना खिलाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना भी घर से पा के आ रहे हैं, माइयों भाट साहब सारे ये मामला देख रहे हैं। तो ये सारी ऑफिशियल्स के, स्कोरर के, ग्राउंडमैन के, तमाम का लंच बाकायदा होता है, उनको टी दी जाती है, ये सारी उनकी रवायात थे, हमने कोशिश की है उसको बरकरार रखा जाए। तो मेरी अहलियाने गखड़ और अहलियाने इलाका से गुजारिश है कि हमारे जो हैं वो अपना इंशाल्लाह ताला सैटरडे और फ्राइडे, सैटरडे को सेमीफाइनल है, यानी 16 और 17 को, 18 को हमारा फाइनल है, संडे को ये सितंबर 18 को, तो तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो आएँ और इसको कामयाब बनाएँ। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आप आए और आपने कवरेज दी, मैं आपका भी मशकूर हूँ। बाकी जितने भी दोस्त देखने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन सब के जज्बात का, उनकी दुआओं का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और अपनी पूरी जो इंतज़ामिया है, हमारी जो टूर्नामेंट करवा रही है उसमें जो सबसे मेन हेड हैं वो मुरियात बाजवा साहब हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या आपको लगता है कि इस कामयाब टूर्नामेंट के बाद गखड़ की क्रिकेट में मज़ीद बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, आज ये जो मैच हो रहा है अभी जो आप जिसकी कवरेज कर रहे थे, ये दो अकेडमीज़ हैं, एक अकेडमी है कंट्री क्लब, ये मरीद के से है, दूसरी अकेडमी जो है वो फेमस अभी सुपरस्टार एहसन अली, उनके भाई हैं बड़े तारमान वड़ैच, वहाँ से वह उनकी क्रिकेट अकेडमी है। तो ये दो अकेडमीज़ का मैच हो रहा है, डेफिनेटली जहाँ अच्छी क्रिकेट होगी तो यकीनन उसको देखने वाले उसमें इनक्रेजमेंट होती है, मोटिवेशन होती है, और फिर ये इसी में हम जो है ना शेख अब्दुल लतीफ मेमोरियल स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स जो है इंशाल्लाह ताला उसको भी इसमें ही फाइनल में इनाग्रेशन हो रही है, हम खुद जो 3 गेम्स के साथ प्रॉपर ट्रेनर्स के साथ जो है ना प्रॉपर गैजेट के साथ अहले आने गखड़ और अहले इलाका के लिए जितने भी बच्चे हैं अंडर 10, 12 और 14, 16 में, उन सब की बाकायदा हम ट्रेनिंग करवाएंगे, मैं खुद भी इसमें शामिल होऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह PCB सर्टिफिकेशन है मेरी, MSc स्पोर्ट्स साइंसेज में मेरा अपना क्वालिफिकेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होगी कि जितना हमें आता है, और इसके अलावा भी कोशिश होगी कि जितने हमारे जो क्वालिफाइड कोचेज़ हैं लाइक इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो बाजवा क्रिकेट अकेडमी है जहाँ से आमर जो है सुपरस्टार उनकी प्रोडक्ट है, वो अभी रात को मेरी बात हो रही थी, मलक क्रिकेट अकेडमी पेशावर उनकी प्रोडक्ट है, साजिद शाह जो अभी ऑफ स्पिनर रिसेंटली बांग्लादेश में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेटर है, उसके ओनर से बात हो रही थी, वो भी विलिंग है, कहते हैं जी आप इधर हैं पेशावर में सवात में उसने दावत दी है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने यंगस्टर्स जो हैं अंडर 10, 12, 14 इनको हम जो है ना प्रॉपर स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग देंगे, और इंशाल्लाह एक साल के बाद जब यहाँ नेक्स्ट यही टूर्नामेंट होगा तो उसमें बाकायदा शेख अब्दुल लतीफ मेमोरियल स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स भी इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेगा। चलें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही मजीद कामयाबियों से नवाजता रहे। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सर सैफी साहब ने तमाम कुछ बता दिया, तो अभी एक इनिंग का इख्तिताम हुआ है, तो इस विकेट पे जनाब मैच हो रहा है, तो ये जी अता क्रिकेट अकेडमी और इस तरफ लाहौर से कंट्री क्लब, आई थिंक मैं ठीक कह रहा हूँ, तो अभी कुछ देर में इनिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा, लेकिन हम वो इनिंग नहीं दे सकेंगे क्योंकि गुजरांवाला PTA का जलसा भी, उसकी कवरेज भी करनी है। तो ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी क्योंकि अट साहब थे और सर सैफी साहब थे, उन्होंने कहा हुआ था कि जनाब आप आएँ कवरेज करें, तो उनकी मोहब्बत के लिए हमने ये कवरेज किया है। तो आज के व्लॉग को, आज की ये छोटी सी वीडियो को यहीं पर करते ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।